उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा इलाके के गोकुलदास गर्ल्स इंटर कॉलेज के पास यूनियन बैंक की शाखा के आसपास उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक लोगों ने वहां गोली चलने की तेज आवाज़ सुनी। आसपास के लोग जब बैंक के पास पहुंचे तो देखा वहां कई छात्राएं एवं महिलाएं घायल अवस्था में पड़ी हैं। जानकारी करने पर पता चला कि वहां तैनात गार्ड की दो नाली बंदूक अचानक गिर गई और उससे फायर हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की जांच कराई जा रही है। सीसीटीवी के आधार पर देखा जाएगा कि गार्ड की इस घटना में कितनी लापरवाही है, उसके बाद ही इस मामले में कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल बैंक में गोली चलने के बाद घायल हुई छात्राओं को देखने के बाद लोगों में आक्रोश पैदा हो गया है और कुछ लोगों ने बैंक में तोड़फोड़ करने का भी प्रयास किया। वहां पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया है। तो आज कहां गए थे आप? यूनियन बैंक गए थे पैसे निकालने के लिए स्कॉलरशिप। अच्छा, फिर क्या हुआ वहां पर? वहां पर तो गोली चली थी वहां पर। गोली कैसे चली बेटा? गोली कैसे चली? अंदर से गार्ड सामने चलाई थी। अच्छा, कितने लोगों को लगी वहां गोली? 5-6 लोगों को लगी, उसमें से दो लड़कियां तो चली गई, उनसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो पाता। क्या हुआ आपके साथ? बैंक के बाहर खड़े थे, अंदर से एकदम फायर हो गया। किसने किया फायर? पता नहीं, कुछ दिखाई नहीं दिया किसने किया किसने नहीं किया। कौन सी बैंक का मामला? यूनियन बैंक गोकुलदास। कुछ पता नहीं आपको? कुछ नहीं पता, अंदर से हुआ था, हम लोग खड़े हुए थे, धीरे धीरे सबको ले रहे थे, हमारा नंबर हम जाने वाले थे कि अंदर से एकदम फायर हो गया। कुछ पता नहीं किसने किया फायर। कितने लोग थे आप? मैं तो मेरी फ्रेंड और बाकी 2-3 और लोग थे वो लगभग। कितने लोगों के लगी है? हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ, 5-6 लोग थे, तो एक मैं और मेरी फ्रेंड। अब आपकी तबीयत कैसी है? अब इंजेक्शन लगाया है तो ठीक है, बस बहुत दर्द हो रहा है। क्या नाम है आपको? राखी। नीरा। क्या हुआ आपके? हम बैंक गए थे, बैंक में भीड़ हो रही थी तो गार्ड कुछ लोगों को जाने देते थे, कुछ को बाहर ही खड़े थे, तो हम लोग भी खड़े होंगे, मैंने कहा जब नंबर आएगा तो हम लोग भी अंदर चले जाएंगे। बिल्कुल बैंक के जस्ट बाहर ही खड़े थे चैनर के पास, बस अंदर पता ना क्या अंदर से हुआ या बाहर से दिया भगवान जाने, हमने कुछ नहीं देखा। ऐसे धमाल हुआ, हमने सोचा वहाँ पर कूलर वगैरह वहाँ से कोई फाल्ट वगैरह हो गया, लेकिन वो हमने कुछ नहीं देखा। एकदम से 2-3 लड़की और थी और 2 हम थे, तो एकदम से कुछ ऐसे फाल्ट हुआ, हमारे चोट लग गई। मैंने अपना बिल्कुल ध्यान नहीं करा, मैंने अपने फ्रेंड को देखा, जब वो चीखी तो फिर वो कह रही मैं मर जाऊँगी, मेरे को ऑटो करके जल्दी मुझे ले चल डॉक्टर के पास। मम्मी को फ़ोन करा अपनी मेरी फ्रेंड ने, तो मम्मी से कह दिया कि मैंने कह दिया हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से कुछ लोग आने ही नहीं दे रहे थे हमें। पुलिस वालों को हम क्या करते हैं, हम अपनी सेफ्टी खुद ही करनी है ना। कौन सी बैंक का मामला है? यूनियन बैंक। कहाँ पर है? गोकुलदास। क्या करती हैं आप, पढ़ाई करती हैं? हाँ, मेरा एमए फाइनल है गोकुलदास से और टीचिंग करती हूँ मैं चंदोसी में। पैसे निकालने गई? पैसे में डालने गई थी अपने वहाँ पर बैंक में, लेकिन हमें तो कुछ पता ही नहीं, बट हम आ रहे भी थे वहाँ से, लेकिन मेरी फ्रेंड कह रही कि चलो कोई बात नहीं, जब आए तो अपना काम करके चलेंगे। कितनी चोट है आपको? मेरे दोनों पैरों में लगी है फिलहाल, एक में कुछ ज़्यादा ही, एक का तो मैंने ध्यान ही नहीं करा, मैंने अपना बिल्कुल ध्यान ही नहीं करा। अब मेरे पैर में बहुत ज़्यादा जलन सी हो रही है। मुगलपुरा स्थित यूनियन बैंक है, यहाँ पर गार्ड से दुर्घटनावश गोली चल गई है, कुछ लोगों को छर्रे लगे हैं, घायल हैं, उनका इलाज कराया जा रहा है और सीसीटीवी का अवलोकन करके जो भी आवश्यक विधि कार्यवाही होगी वो कराई जाएगी। लोग बेसिकली कल यहाँ पे कोविड पॉजिटिव पेशेंट आ गया था, जिसकी वजह से एक बार में सिर्फ 10 लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा था। बाहर भीड़ जा रही थी, लोग अंदर जाने के प्रयास में गार्ड से थोड़ी धक्का मुक्की हुई है, उसके कंधे से बंदूक गिरी है और गोली चल गई है। 6 लोग हैं जिनको छर्रे लगे हैं, किसी की भी हालत गंभीर नहीं है, सभी लोगों को जिला अस्पताल कर दिया गया है, सभी लोग इलाजरत हैं।